आज अमन फाउंडेशन की तरफ से किया गया महिला दिवस के अवसर पर, और महिलाओं को आपने सम्मानित भी किया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी फाउंडेशन के इस कार्य को लेकर के? नमस्कार, मैं भारती छाबड़िया समाज से हूँ। अमन फाउंडेशन की तरफ से आज ये जो महिला दिवस का प्रोग्राम हुआ है लोखंडवाला गार्डन में, ये सबसे सुपर हिट प्रोग्राम हुआ है। इसलिए नहीं कि यहाँ पर इंटरटेनमेंट था, इसलिए कि कॉज के लिए प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ पर एक फैशन शो रखा गया था जो कि कॉज के लिए रखा गया था। इस फैशन शो में कॉन्सेप्ट ये दिया गया था कि भारत देश एक है, हम सब एक हैं। हिंदुस्तान में जितने भी छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी यहाँ पर राज्य हो, सब मिलकर यहाँ पर एक है। ये हमने एकता का संदेश इस प्रोग्राम में दिया है, वो हमने फैशन शो के रूप में दिया है। दूसरा, जो स्टॉल्स यहाँ पर अमन फाउंडेशन की तरफ से हुए हैं उसमें कोई चार्ज नहीं लिया गया है। हमने औरतों को एक प्लेटफॉर्म दिया है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम वुमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप आइए, स्टॉल लगाइए, आप जो घर में चॉकलेट्स बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं या कोई भी ऐसा काम करती हैं, उसके बदले में आपको मार्केट में आपको दुकान लेके करने के लिए आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो अमन फाउंडेशन के ज़रिए हम औरत को, हर एक औरत को जो घर पे कुछ करती हैं, उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। और हमको उनको खूबसूरती से स्टॉल दिए हैं और इतना खूबसूरत क्राउड दिया है कि वो कुछ बिजनेस कर सके और कुछ काम कर सके। तो मैं अमन फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे औरतों के लिए, खास करके औरतों के लिए ऐसे इवेंट करते रहें और वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया श्री रईस लश्करिया जी का, जिन्होंने आज ये सम्मान दिया हमें और आज सारी औरतों को। नमस्कार, थैंक यू सो मच।